की जरूरत नहीं है रोड के लिए, ये यहीं पर ही आप लोग। कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग अगेन टैक्टिकल आम के साथ है और गैजेट्स के ऊपर है, सेफ्टीज के ऊपर है, बुलेट कौन सी कैटेगरी की होनी चाहिए, किस साइज़ की होनी चाहिए, चाइना कौन सी है, इम्पोर्टेड कौन सी है, तमाम चीज़ें आज हमायूं के साथ आपको दोबारा सब डिटेल से मैं बताऊँगा गैजेट्स कौन से रखने चाहिए। और तमाम पाकिस्तानियों को दिल से और पूरी दुनिया को दिल से हैप्पी न्यू ईयर और दुआ करते हैं कि ये नया साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो। गाइज ये उमर है और हमायूं क्लाइंट के साथ बिजी हैं, इसलिए हमने कहा उमर आप आ जाएं और उमर गाइड करें गैजेट्स के ऊपर और रिवॉल्वर्स के ऊपर। जी उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम उमर है और बेसिकली टैक्टिकल लॉन्च के यहाँ से हम डील करें सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर जो है वो अराउंड 7 बुलेट्स की इसके अंदर कार्ट्रिजेस जाती है बेसिकली, और ये फिर 7 मैगनम होते हैं। टॉरस की रिवॉल्वर है और इसके अंदर लॉक नहीं होता, लिकॉक के साथ है, लॉक नहीं होता और रेडी टू फायर पिस्टल है। ये इस कॉस्ट कट जाती है इसकी 2,50,000 तक, ठीक है, और मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बेस्ट से बेस्ट प्राइस आपको यहीं से मिलेंगे हमारे पास से ही टैक्टिकल आर्म से। ये बहुत खूबसूरत लग रही है सर, इसका साइज देखिए। ये 6 इंच बैरल है और 357 मैगनम है, ट्रैकर है, टॉरस कंपनी की है, ये भी 7 बुलेट्स होती है। इसकी अगर मैं आपको बुलेट दिखाता हूँ, ये 7 बुलेट्स होती हैं इसके अंदर और ये 6 इंच बैरल है। आप इसके ऊपर देखेंगे कि ट्रैकर लिखा हुआ है, ये ट्रैकर जो है टॉरस कंपनी का होगा, तो ये भी सेम प्राइस ही है, अराउंड इससे 20,000 रुपीज़ कम है, 2,30,000 रुपीज़ तक की है। और ये इसकी प्राइस सर क्या बताई थी आपने? सर 2,50,000। ये देखें बेसिकली 3 साइजेज हैं, आप अगर देखेंगे, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें तो इसके 3 साइजेस हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये 3 साइजेस की आती है। चलते हैं गाइस आगे गैजेट्स की तरफ। अब सबसे पहले आ जाते हैं, ये है सीट कवर। बेसिकली सीट कवर एज ए पिस्टल कवर है, ये अब हम सीट रखते हैं, सीट के ऊपर जहाँ पर हम बैठते हैं लेग्स के बीच में ही नीचे की तरफ आती है पिस्टल, साथ में आप मोबाइल रख दें, मैगजीन रख दें, एक्सवाइजेड कुछ भी रखना चाहिए रख दें, ये सीट के ऊपर हैंग हो जाती है ये। जी हमारी सर ये टॉर्च है, ठीक है, राइफल्स के लिए काम आती है बेसिकली, और ये इसका रेड डॉट है, ये भी राइफल्स में लगाने के लिए काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ये इसकी प्राइस क्या होती है सर? सर ये आपको मिल जाती है मुख्तलिफ प्राइस होती है, इसमें आपको 5,000 की भी मिल जाती है, 10,000 की भी मिल जाती है, 20,000 की भी मिल जाती है, मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना वगैरह की जो आती है नॉर्मल, वो आपको 10,000 to 20,000 तक मिल जाती है। अगर आप बाहर USA वगैरह की लेते हैं तो वो 50,000 की भी आती है, इसमें क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा हम आगे आते हैं तो हमारे पास ये है टेज़र है, ठीक है, बेसिकली इसमें टॉर्च भी है और टेज़र भी है, ये एज अ सेफ्टी पर्पज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर हम आते हैं तो ये हमारे पास हॉलिस्टर वगैरह हैं, जो बैली बेल्ट कहते हैं इसको, ये आपकी कमर पे लगाने के लिए होता है, पिस्टल वगैरह कैरी करने के लिए। इसमें लाइसेंस का भी दिया हुआ होता है ऑप्शन, लाइसेंस कवर भी होता है और वेपन का भी, ठीक है। इसके अलावा प्राइस साथ साथ हमारी सबको प्राइस बताइए। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये आपको मिल जाता है तकरीबन 2,000 to 2,500 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, और लोकल मेड है, ये भी आपको तकरीबन 3,000 to 2,500 तक की मिल जाए। भाई ये बहुत खूबसूरत चीज देख रहा हूँ यार, ये मुझे जो है ना बकरा ईद वाला चाकू तो नहीं है? नहीं नहीं, ये बकरा ईद वाला चाकू नहीं है, ये बेसिकली हंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये आपको मिल जाता है 5,000 to 6,000 रुपए में मार्केट में, इजी अवेलेबल है, हर किसी के पास ये है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कलर्स भी हैं, ये मैं देख रहा था, अच्छा ये बिल्कुल एक ये लेदर के केस के अंदर है, बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है गाइस, इसका वेट भी बहुत। और ये बना किस पे? मेटल पे है? मेटल क्या? में बना हुआ सर, सारा मेटल में बना हुआ, बिल्कुल। इसकी धार बहुत तेज है, अंदर की तरफ इसमें एसेसरीज भी कुछ माचिस वगैरह के लिए ये वो यूज कर सकते हैं।
कुछ ऐसे भी आते हैं जिन पे ये कंपास वगैरह भी लगा हुआ होता है, जैसे कि उमर भाई ने कहा कि ये शिकार के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो काम आता है। अच्छा आगे की तरफ चलते हैं, ये बुलेट्स ये किस में सर, ये जंगवन के लिए है, ये क्या है? जंगवन के लिए नहीं है, ये असल में ग्लॉक के लिए मैगजीन है, ड्रम मैगजीन है 50 राउंड वाला। अच्छा जी, ग्लॉक पिस्टल है तो उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें लगा के दिखाए ना जरा गाइस को किस तरह आ सकते हैं। इसकी प्राइस क्या है सर? सर ये आपको मिल जाता है तकरीबन 55,000 तक का। ये बेसिकली 60 राउंड मैगजीन है। नॉर्मल मैगजीन जो होता है वो 15 राउंड होता है, इससे लार्ज मैगजीन आता है 30 राउंड होता है, ये ड्रम आता है 60 राउंड का। ओके और आगे तो इसी में ग्लॉक का आपको ये लॉन्ग मैगजीन भी अवेलेबल है मार्केट में, आपको ये मिल जाता है तकरीबन 25,000 to 30,000 का। ये यूएसए का है और इसमें 30 राउंड आते हैं प्लस 33 हो जाते हैं। ठीक है, हम आइए आगे की तरफ जाते हैं। जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना इसमें गैजेट्स के अंदर वो ये क्या है सर? ये तो मुझे मैंने आपको एक बताया ना, टेजर है और प्लस टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको सेफ्टी पर, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये इसका वॉल्ट कितना है, मतलब ये किसी को झटका दें तो? सर लिखा होगा 5,000 है, आपको लगा के चल। गाइस ये बड़े अमेजिंग चीज़ है और ये प्राइस क्या बताइए हमारी भाई आपने? ओह बड़ा यार, बहुत सस्ता बहुत चीप है ये तो। अच्छा आगे चलते हैं भाइयों। इसके अलावा सर ये मैगजीन है, ये भी ब्लॉक के नहीं है, छोटे मैगजीन है 15 राउंड वाले। ठीक है, इसके अलावा जो है ये आपको राइफल्स के मैगजीन मिल जाते हैं 30 राउंड वाले, मैगपॉल के हैं, ओरिजिनल अमेरिकन मैगजीन है। ठीक है, ये आपको जो है तकरीबन आपको 15,000 का मिल जाएगा, 15,000 का हमारे पास अवेलेबल है जी सर। इसके बाद हम इस पर आते हैं, ये है बेसिकली गाड़ी में लगाते हैं लोग, और गाड़ी में आप इसमें आप टेबल के नीचे भी लगा सकते हैं। ये मैग्नेट जो है पिस्टल की तरह मैग्नेट कवर है। ठीक है, इस पर पिस्टल लोड भी हो सकता है और आप इसको गाड़ी में भी लगा सकते हैं और टेबल के नीचे भी लगा सकते हैं। अच्छा ये आजकल आपने वीडियोज़ देखी होंगी नेट के अंदर, सोशल मीडिया पर वीडियोज़, ये काफ़ी इसकी वीडियोज़ वायरल हुई है वो जो लोडिंग के दौरान जब काम आता है। इसके अलावा हम ये इस पर आते हैं, ये बेसिकली ब्लॉक ऑटो लोडर कहलाता है। ठीक है, इसमें आप जैसे यहाँ पर पिस्टल लगाए हुए आपने शूटिंग में पे जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, उसमें ये होता है कि ये लोड हो सकता है, ऑटो लोडर है। अच्छा जबरदस्त यार, ये तो ये देखें। अच्छा मतलब हाथ की भी ज़रूरत नहीं है और लोड कर लिए, ये यहीं पर ही आप लोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्राइस भी बताना है, प्राइस ये है सर आपको पड़ेगा 15,000 रुपये का। ठीक है, ये 15,000 रुपये मिल जाएगा, और ये जो मैग्नेट का है ये आपको 2,500 में अवेलेबल है हमारे पास। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत जो गाइस आने वाली है वो बुलेट्स आने वाली है, लेकिन जल्दी हमारी से ये बताइए। इसके अलावा ये है राइफल्स के लिए PU की लाइट यूज़ होती है। ठीक है, इसमें लेदर भी होती है और टॉर्च भी लगी हुई होती है। ठीक है, और इसके अलावा अब हम आते हैं बुलेट्स पे। अच्छा गाइस एक बात बता दूं आपको, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं ना, ये आपको हर दुकान में और हर शॉप में मिलने वाली नहीं है। क्यों हम आइए ऐसे ही है ना, बुलेट्स की तरफ आते हैं। इसके अलावा बुलेट्स पे आते हैं तो सर ये 223 की बुलेट्स हैं, 5.56। ठीक है, अमेरिकन खूबसूरत है पेंसिल। ओह लाइट, ये प्राइस भी है। अच्छा ये प्राइस क्या है सर इसकी? सर ये आपको मिल जाती है 150 की। 150 की, ओके। और इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड है अमेरिकन। ठीक है, इसके अलावा सर ये है 30 बोर की बुलेट्स। ठीक है, ओ पहले से ही धमाका हो गया। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। ये अच्छा ये क्या है? ये 30 बोर की बुलेट्स हैं। ये आपने वो TT स्टाइल पिस्टल देखे होंगे पुराने माउजर टाइप के, उनमें लगती है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस पर आ जाएँ, ये सर 9mm की बुलेट्स हैं, PUF की हैं, जो हमारे पाकिस्तान में बनती हैं, PUF वॉक एंड में फैक्ट्री है इसकी, ये उनकी 9mm बुलेट है। और सर इसकी प्राइस ही लोकल है? अच्छा हाँ, लोकल ही पाकिस्तानी है सर, ये तकरीबन है 4,500 तक का। इसके अलावा हम ये बुलेट्स हैं, ये भी 9mm है, ये चाइनीज़ है, आपको मिल जाती है नोरिंगो कंपनी है, चाइना की है, ये भी 9mm है, ये आपको 650 रुपये का पैकेट मिल जाता है मार्केट में। मतलब पर बुलेट ये हो गई मेरे ख्याल से 150। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सैलेड एंड वैलेड है, ये चेक रिपब्लिक की बुलेट्स हैं, ये भी 9mm है, अच्छी बुलेट है, ये बहुत अच्छी बुलेट है। और इसकी प्राइस सर? ये आपको पड़ेगी तकरीबन 12-13,000 रुपये का बॉक्स है, ईच बुलेट 240 की मिलती है, 240 220।
कभी महंगी हो जाती है या जब इम्पोर्ट बंद हो जाएगी तो फिर ये महंगी हो जाती है सब। ये किसी टाइम पे 12-12 हज़ार रुपये का पैकेट बिका है चाइनीज नाइजीरिया, तो ये होता रहता है प्राइजेज में। उसके बाद ये है 357 मैग्नम, ठीक है, पीछे आपको उमर साहब ने रिवॉल्वर दिखाए तो ये उनके बुलेट्स हैं, ठीक है। ये आपको पड़ेगी तकरीबन 450 रुपये की एक बुलेट। अच्छा जी सर, बहुत प्यारी है सर, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगी है। और ये पर बुलेट क्या बताइए? 450 की। ओके ठीक है। और कंपनी कौन सी है सर? ये फ्लूची कंपनी है। और इसके अलावा हम इस पे आते हैं, ये भी बुलेट्स हैं, ये भी रिवॉल्वर्स में। और आपने डेजर्ट ईगल एक पिस्टल का नाम सुना होगा लास्ट टाइम, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने आपको पिस्टल दिखाया। वो जो कौन सी एक्टर है लारा है कौन सी? हाँ जी जी लारा है वो। हाँ बहुत प्यारी। तो इसकी क्या प्राइस है सर? सर ये तकरीबन है 800-850 में। और सब इम्पोर्टेड हैं सर? जी सर सब इम्पोर्टेड है, फेडरल की है, अमेरिकन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे वही ये पेंसिल आ गई। बिल्कुल पेंसिल आ गई। इसके अलावा ये कार्ट्रिजेस हैं, ये बेसिकली शॉटगन में यूज़ होते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा हंटिंग पर्पस के लिए शॉटगन उसमें ये कार्ट्रिजेस यूज होते हैं, ठीक है। ये इसका हमारी जो है ये बा फैक्ट्री है वो बनाती है शाइन के नाम से। अच्छा लोकल ही है ये, मेड ऑन पाकिस्तान। इम्पोर्टेड भी आते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा सर बाकी ये आपके पिस्टल कवर्स हैं और ये सिलिंग है राइफल्स की, ये भी अवेलेबल है मार्केट में, आपको हर जगह मिल जाती है। ग्लव्स हैं राइफल कैरी करने के लिए, आप पहन सकते हैं। प्राइस क्या है सर इसकी? सर ये 2-2.5 हज़ार रुपये की। और ये प्राइसेस बताते हैं सर? ये भी आपको सिलिंग, ये मैकपॉल की ओरिजिनल अमेरिकन सिलिंग है, ये आपको तकरीबन 2.5 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। ये ग्लव्स हैं, ये भी इम्पोर्टेड हैं, ये आपको 2 हज़ार रुपये की मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आपको ये फायरिंग के दौरान यूज़ होती हैं तो? जी सर बिल्कुल, ये वहाँ पर ये फायरिंग के दौरान आपके कान में सीटियाँ ना बजे, ठीक है। तो आपने लास्ट टाइम शायद यहाँ पर राइफल चलाई थी, आपको आइडिया तो वो है उनका आवाज़ कितनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी क्या प्राइस है सर? ये भी नॉर्मल लोकल ही आता है जी? ये लोकल ही हमारे इम्पोर्टेड भी आते हैं, ये आपको 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। अच्छा क्लीनिंग के पर्पज़ से मैं ये देख रहा हूँ, ये गैजेट्स और ये वायर, ये क्या चीज़ है? ये ब्रश वगैरह इम्पोर्टेड भी आते हैं हमारे पास, इम्पोर्टेड भी होते हैं। उसके अलावा ये ऑयल वगैरह है, रसमल है, ग्रीस है। तो ये कौन सी कंपनी का, मतलब कौन सा यूज़ करना चाहिए सर? वैसे तो देखें ये हर किसी के ऊपर, कोई इम्पोर्टेड भी यूज़ करता है, कोई ये लोकल भी यूज़ करता है। तो आपके आपका क्या प्रीफर है, ये यूज़ करना चाहिए? वैसे यूज़ करना चाहिए सर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सर ये बेसिकली राइफल केस है, ठीक है, इसमें आप राइफल रख सकते हैं, जैसे कि आप मैं दिखा सकता हूँ राइफल रखी है, सर दो राइफलें भी आ सकती हैं, जगह बन सकती है, ठीक है। ये जो है ये फॉर्म निकला था स्पंज, इसका निकाल के इसमें राइफल बिल्कुल फिट आ जाएगी। अच्छा ये भी लोकली बनते हैं बॉक्स से? ये इम्पोर्टेड बॉक्स है और ये आपको मिलेगा 35,000 का। और इसमें आपके जो है व्हील भी लगे हुए हैं, ईजी टू कैरी, बिल्कुल ट्रॉली टाइप का है, कैरी कर लिया है। गाइज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और एंड करने से पहले हमारी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें गाइड किया। और बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देने वाला हूं, जो पाकिस्तान के अंदर इस वीडियो को बनाने का भी मकसद हमारी हो, मेरा ये था कि लोग जो न्यू ईयर की रात को हवाई फायरिंग करते हैं और इससे कई लोगों की जान चले जाती है, तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हवाई फायरिंग ना करें। और न्यू ईयर से पहले ये वीडियो डालने का मकसद भी यही है मेरा कि प्लीज़ उन बच्चों को सेव करें, रश के अंदर और पार्क्स के अंदर आप फायर करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं तो कई लोगों की इसमें मौत हो जाती है। हर साल होता है ये, 8-10 लोग आजकल बच्चों में, माफ करें 8-10 लोग जो हैं इसमें। अच्छा प्लीज गाइज इस वीडियो को दिखाने का भी यही मकसद है कि इन चीजों को जो है अपनी सेफ्टीज के लिए यूज करें, ना कि हवाई फायरिंग में खेल बनाए इसको, स्पोर्ट्स में यूज हो सकता है। बेसिकली आप रेंज जाए, शूटिंग रेंज जाए, स्पोर्ट्स में यूज करें, ये हवाई फायरिंग के लिए नहीं है। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और सब तमाम पाकिस्तानियों को हैप्पी न्यू ईयर। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, चैनल को लाइक करें सर, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।